पुणे महाराष्ट्र से प्रमाणिक समूह के सक्रिय सदस्य श्री भावेश गोदावत नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव प्रतिकूल परिस्थिति में समता भाव बनाए रखने के लिए कितने समय के अभ्यास की ज़रूरत है। गुरुदेव ये सवाल इसलिए है कि कई बार हम अपनी समता नहीं रख पाते हैं तो लोगों से उलाहना मिलता है कि इतना गुरु का ज्ञान गान करते हो मगर धर्म को बिल्कुल नहीं जाने। मन बहुत आहत होता है, ऐसा लगता है कि हम बस आडंबर ही कर रहे हैं। गुरुदेव हम कैसे जाने कि हम धर्म के अनुसार आचरण करना सीख भी रहे हैं या नहीं, या ऐसा कोई पैमाना है? देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों में क्षमता हर पल रखनी चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं। और धर्म की ये पहली सीख है, हम लोग मेरी भावना की ये पंक्तियाँ दोहराते हैं, होकर सुख में मग्न न फूलूँ, दुख में कभी न घबराऊँ, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊँ। मैं सुख में फूलूँ नहीं, दुख में घबराऊँ नहीं, इष्ट का वियोग हो अनिष्ट का योग हो उसमें मैं अपनी सहनशीलता दिखलाऊँ। ये समझ हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। और ये बात सही है कि ये चीज़ें जानने के बाद भी जब ऐसी कोई परिस्थितियाँ निर्मित होती है तो उस घड़ी हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। जब हमें क्षमता की ज़रूरत है उसी समय जब हमारा चित्त उद्वेलित होता है, तो खासकर ऐसे लोगों को जो थोड़ा धर्म से जुड़े हैं, गुरुओं से जुड़े हैं, गुरुओं की वाणी जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, उलाहना का पात्र तो बनना पड़ता है। तो इसे उस उलाहने को आप उलाहना के रूप में न देखें, उस उलाहना को अपने लिए एक सीख देखें और सोचें कि नहीं, मुझे जो हमने सुना है उसे जीवन में उतारना होगा और उसके लिए प्रयोग कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी क्षमता को बनाए रखूं, स्थिरता को बनाए रखूं, भावना योग नियमित कीजिए, अंतर मन से कीजिए, देखिए आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आता है। आप विषम से विषम परिस्थितियों को अनुकूलता से जी सकेंगे। और उसके लिए दो संकल्प अलग से दोहराइए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। आप लोग कहते होंगे कि महाराज जी आप बार बार यही लाइनें दोहराते रहे, ये लाइन तो जीवन का मंत्र है, मुझे आनंद आता है, मैं तुम्हें नहीं सुनाता अपने आप को सुनाता हूँ, इसी बहाने सुना लेता हूँ, क्योंकि जो तुम पाना चाहते हो, मैं हमेशा शांत रहना चाहता हूँ, सकारात्मक रहना चाहता हूँ, तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ जो तुम पाना चाहते हो उसको दोहराने का जब मौका मिल जाए कर लो। मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, ये मन की खुराक है, मस्तिष्क की नहीं। अंतर मन में ये बात बैठेगी, जीवन में आमूल चूल बदलाव घटित होगा। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो कहते हैं कि महाराज आपके संपर्क में आने के बाद कईयों के तो केवल प्रवचनों से ही बड़ा परिवर्तन घटित हुआ है, और भावना योग से लोगों में सकारात्मकता स्थिरता आई है। आप भी घटित कर सकते हैं, बशर्ते खुद भोजन करो, केवल औरों को परोसो मत। औरों को परोसने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, खुद भूखे रह जाते हैं। आप औरों तक बात पहुंचा रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसकी शुरुआत अपने अंदर से करें, बड़ा बदलाव आएगा।
मैं समझता हूँ ये सवाल उन्होंने अपने लिए नहीं, शायद सबको संदेश देने के लिए पूछा होगा, लेकिन ये हमें समझना चाहिए और इस दृष्टि से जीवन में बदलाव घटित करना चाहिए।